इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी लिंक हमारी जोंग के नई इंस्ट्रक्टर होती है और लिंक को देखने के बाद हमारा जोंग पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि ये दुनिया कितनी छोटी है। अननेसेसरी परेशानी को कम करने के लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इतना कहने के बाद जोंग वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी हमारी लिंक की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। उसे देखने के बाद लिंक अपने मन में कहती है कि क्या वो बच्चा क्लास को स्किप करने की कोशिश कर रहा है। इतना सोचने के लिंक पीछे से हमारे जोंग को आवाज लगाते हुए उसे कहते हैं कि ए नीले बालों वाले, किधर जा रहे हो तुम? इस क्लास से जल्दी जाने का कोई कारण है? ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ओनो, उसने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन तभी जोंग के पीछे से एक डिसाइपल आकर जोंग से कहता है कि एक टीचर लिंक की सबसे पहले क्लास है और तुम उनकी इस क्लास को इस तरह से छोड़कर जा रहे हो। इतना कहने के बाद वो डिसाइपल जोंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पीछे मोड़ लेता है। हमारे जोंग को देखने के बाद जो लिंक है उसे वो सारी बातें याद आने लगती है और कहती है कि ये तो वही पर्वत है जिसने के कुछ दिनों पहले मुझे नहाते हुए देख लिया था, और ये दुनिया कितनी छोटी है, वो मुझे इतनी आसानी से मिल गया। अब जो कि वो मेरे हाथ लग चुका है तो उसे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर लिंक माइंड टू माइंड बात करते हुए हमारे जोंग से कहती है कि उस दिन जो झील के अंदर हुआ था, क्या तुमने उन सारी बातों को यहाँ पर फैला दिया है? लेकिन हमारा जोंग तो ठहरा नल्ला, उसे आखिर कौन बात कर रहा है और ये आवाज कहाँ से आ रही है ये समझ में नहीं आता, और इधर उधर देखते हुए कहता है कि आखिर कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है। जोंग की इस तरह की अजीब हरकतें देखने के बाद लिंक पूरा सदमे में चली जाती है। फिर लिंक जोंग से कहती है कि मैं तुमसे माइंड टू माइंड बात कर रही हूँ, थोड़ा सा शांत हो जाओ और मैं जो कुछ भी तुमसे पूछेंगे उसका जवाब तुम सिर्फ अपने माइंड में देना। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और लिंक से कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, और मैं कसम खाता हूँ कि उस दिन लेक में जो कुछ भी हुआ था वो मैंने यहाँ पर किसी को भी नहीं बताया, और वो सब एक्सीडेंट था, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया था। ये सुनने के बाद लिंक जोंग से कहती है कि मैं श्योर करूंगी कि तुम्हें एक पेनफुल डेथ दी जाए, लेकिन तुम्हें मारना सेट के अंदर आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब काफी ज्यादा सफर कराऊंगी। इतना कहने के बाद लिंक वहां पर के डिसाइपल से कहती है कि आज की सबसे पहले क्लास में मैं आपकी जो प्रेशर सहने की एबिलिटी है उसे टेस्ट करूंगी, और मुझे आपको ये सिखाने के लिए एक स्टूडेंट की जरूरत है, क्या आप में से कोई इसमें इंटरेस्टेड है? तभी हमें उन डिसाइपल के बीच में एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि लिंक की ये सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि फाइनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली गई टीचर लिंक के करीब आने की। उसका नाम जियांग मुयांग होता है और जियांग आगे कहता है कि जियांग फैमिली के एक जीनियस सन होने के बावजूद मैंने एक ऐसे घटिया से सेट को ज्वाइन किया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना सोचने के बाद जियांग अपना हाथ उठाते हुए लिंक से कहता है कि मैं आपके साथ वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी लिंग उसे चाटा मारते हुए उसे कहते हैं कि थोड़ा साइड हटो, और लिंग सीधा जाकर हमारे जोंग से कहते हैं कि क्या तुम वॉलंटियरिंग करने में इंटरेस्टेड हो? ये सुनने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता है, लेकिन लिंग काफी सेक्सी अंदाज में हमारे जोंग से कहती है कि अगर तुम वॉलंटियर करने में तैयार हो तो तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। लिंग का ए वाला अंदाज देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि वो डेफिनेटली कोई ना कोई इस अपीयरेंस के पीछे छुपा रही है, लेकिन मैं लोगों की जो अटेंशन है वो अपनी ओर नहीं खींचना चाहता। लेकिन तभी सिस्टम उसे मिशन देता है, अगर तुमने टीचर लिंक के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो तुम्हें रिवार्ड में इन्हेंसमेंट आइटम दिया जाएगा। ये देखने के बाद जोंग कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर लिंक से कहता है कि मैं आपके साथ वॉलंटियरिंग करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद लिंक काफी खुश हो जाते हैं और अपने मन में कहती है कि यहाँ पर के जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो QI फाउंडेशन स्टेज पर है, इसीलिए मैं इसके एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए मैं सिर्फ अपनी QI फाउंडेशन स्टेज की स्पिरिचुअल पावर का ही इस्तेमाल करूंगी। इतना कहने के बाद लिंक अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए हमारे जोंग के ऊपर प्रेशर बनाने है। लिंक की इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की वजह से वहां पर के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, और जियांग कहता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ पर के जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स है वो अभी से ही टीचर लिंक के ऑरा के वजह से काफी जोर जोर से हाँप रहे है, और हमारे जोंग को इतने से प्रेशर से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखने के बाद जियांग कहता है कि वो अभी तक किसी भी तरह का रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। फिर जोंग कहता है कि क्या ये शुरू हो चुका है? ये सुनने के बाद लिंक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि कितना ज्यादा एरोगेंट बच्चा है, क्या वो मुझे एम्बेरस करने की कोशिश कर रहा है? इतना कहने के बाद लिंक जोंग को सबक सिखाने के लिए अपने गोल्डन कोर स्टेज की पावर को अनलिश करते हुए हमारे जोंग के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है, और जैसे हमारे जोंग के ऊपर गोल्डन कोर स्टेज के प्रेशर गिरने लगता है वैसे हमारे जोंग के पैरों के नीचे जो जमीन होती है वो भी शैटर होने लगती है, और हमारे जोंग को भी थोड़ा सा प्रेशर महसूस होने लगता है, जिसे महसूस करने के
के बाद जोंग कहता है कि अब मुझे कुछ महसूस हो रहा है। यह सुनने के बाद लिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अभी भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उस दिन की, तो उस दिन भी वो मेरे हाथों से बच गया था, इसीलिए उसके पास कुछ स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। इतना कहने के बाद लिंग अपने प्रेशर को मैक्स लेवल पर लेकर जाकर हमारे जोंग के ऊपर अर्ली नाइसेंस सोल स्टेज का प्रेशर डालने लगती है। इतने सारे प्रेशर को अपने ओर बढ़ता देख जोंग भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो प्रेशर काफी तेजी के साथ आकर हमारे जोंग के ऊपर गिर जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर की जमीन भी शटर हो जाती है। इतना ज्यादा प्रेशर और इतने बड़े धमाके के वजह से जो वहाँ पर के डिसाइपल्स है वो उड़ते हुए पीछे जाकर गिर जाते हैं और साथ ही में जो जियांग है वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है। घुटने पर बैठने के बाद जियांग कहता है कि कितनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है, यहाँ तक कि उस प्रेशर के बाहर से भी मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाल रखा है। इतना कहने के बाद जब जियांग जोंग की तरफ देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जोंग अभी भी उस प्रेशर को संभाल रहा होता है। उसे इस तरह से अपने इतने ज्यादा प्रेशर को संभालते हुए देखने के बाद जो लेंगे वो काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि मैंने अपने पूरी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर रिलीज किया था, लेकिन उसने अभी भी उसे होल्ड करके रखा है। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि इतने सारे वेट को पकड़ कर काफी खुश हो गया होता है और कहता है कि ये वेट बिल्कुल सही है। इतना कहने के बाद जोंग वहीं पर सिटअप्स लगाने लगता है। ये देखने के बाद लिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या वो बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है, अगर ऐसी ही बातें तो मैं एक सीक्रेटली अपनी स्पिरिचुअल टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी, अगर तुम उस स्पिरिचुअल टेक्निक के सामने टिक गए तो तुम्हें मारना इतना भी आसान नहीं होगा। इतना कहने के बाद लिंग अपनी वाइंड की टेक्निक को इस्तेमाल करती है और वाइंड की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए लिंग पूरी हवा को एक जगह पर इकट्ठा करके हमारे जोंग के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनाने लगती है। अचानक से इतने बड़े हुए प्रेशर के वजह से जो जोंग है वो घुटनों के बल पर नीचे बैठ जाता है। इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद जोंग ने अभी तक उस प्रेशर को होल्ड करके रखा होता है, जिसे देखने के बाद लिंग और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने प्रेशर के इतने ज्यादा पावर को बढ़ा दिया लेकिन वो अभी भी इसे होल्ड करके रखा है, तो फिर चलो जो विंड की इंटेंसिटी है उसे और भी ज्यादा बढ़ाती हूँ। इतना कहने के बाद लिंग जो वहां पर की हवा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर हमारे जोंग के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनाने लगती है। हमारा लिंग नल्ला तो है लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस प्रेशर को भी ऊपर उठाने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखने के बाद लिंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो कहती है कि वो इतने भयानक सिचुएशन में भी उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। और हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी पावर लगाते हुए बार्बल स्क्वाट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतने ज्यादा प्रेशर को भी उठा लेता है। इतने ज्यादा प्रेशर को उठाने की वजह से जो लिंग ने वहां पर स्पेयर लगाया होता है उसका बैकफायर उसी की तरह बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद लिंग काफी हैरान हो जाती है। हमारे लिंग ने वहां पर जो हवा का स्पेयर लगाया होता है वो बैकफायर होकर हमारे लिंग को ही लगता है, जिसकी वजह से लिंग उड़ते हुए पीछे जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और उसे दिन में तारे नजर आने लगते है। और लिंग चकराते हुए कहते हैं कि आज का जो प्रेशर रेजिस्टेंस टेस्ट था वो यहीं पर खत्म होता है। फिर हमें शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जोंग उस टैबलेट में देखते हुए कहता है कि आज मैंने जो क्लास में परफॉर्मेंस दिखाई थी उसके वजह से कोई भी कमोशन पैदा नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन एक सेकेंड। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसने हमारे जोंग को मैसेज भेजा होता है, उसमें लिखा होता है कि सिर्फ आज तुमने प्रेशर टेस्ट को रेजिस्ट किया इसीलिए तुम अपने आप पर घमंड मत करो और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आज का जो परफॉर्मेंस तुमने दिखाया है उसके वजह से जो टीचर है उसका अटेंशन तुम्हारी तरफ आएगा, तुम अभी भी मुझसे काफी दूर हो। जियांग के इतने सारे मैसेजेस को देखने के बाद जोंग एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, मुझे तो सबसे बड़ा बेवकूफ लगता है। लेकिन तभी हमारे जोंग को नोटिफिकेशन आता है कि जो इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट है वो चालू होने वाला है और इस इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट में कोई भी साइन अप कर सकता है। यूलिन इमोर्टल सेक्ट हर 3 सालों में इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है और ये टूर्नामेंट एक्सक्लूसिवली नए स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर तुमने इस टूर्नामेंट के अंदर साइन अप किया तो तुम्हें 1000 क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे और साथ ही में टॉप क्वालिटी कल्टीवेशन रिसोर्सेस और एक फेमस टीचर के द्वारा गाइडेंस दिया जाएगा। 1000 क्रेडिट पॉइंट्स को देखने के बाद जो जोंग है वो काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं दूसरों से काफी ज्यादा अलग दिखूंगा और उसे भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट नहीं है जिसके वजह से मैं किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता और मैं किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर सकता, यानी कि मैं किसी भी स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए अगर मैं उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं अपनी वीकनेस को सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा जो कि मुझे काफी ज्यादा हार्म करेगा, इसीलिए मैं वर्कआउट करना पसंद करूंगा और चुपचाप क्रेडिट पॉइंट को कमाऊंगा। लेकिन तभी हमारा सिस्टम हमारे जोंग के सर के ऊपर टपली मारते हुए वहां पर
पर प्रकट हो जाता है, जिसे देखने के बाद जोंग चिल्लाते हुए उसे कहता है कि इस तरह से कभी भी मेरे सामने शो ऑफ मत होना। लेकिन तभी जोंग पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि सिस्टम का इस समय अपीयर होना क्या ऐसा हो सकता है। तभी सिस्टम हमारे जोंग को टास्क देता है, तुम्हें इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्लेस पर आना होगा। फिर हमें बताया जाता है अगर कोई गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो हल्की स्पीड से बादलों और धुन के बीच में उड़ सकता है, और अगर किसी का स्टेज गोल्डन कोर स्टेज से कम होगा तो उसे एक्सटर्नल पावर का इस्तेमाल करते हुए टूल्स को कंट्रोल करके उसके ऊपर से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर किसी को अपने एक्सटर्नल पावर का इस्तेमाल करना होगा तो उसे एटलीस्ट क्यूवाइरिफाइड में स्टेज पर तो होना ही चाहिए, और उड़ने के लिए सबसे कॉमन टूल के तौर पर फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमें सीधा इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेफरी कहते हैं कि जो इमोर्टल स्वॉर्ड टूर्नामेंट है वो शुरू होने वाला है, जितने भी पार्टिसिपेट है वो अपने अपने जगह पर आकर खड़े हो जाइए। इतना कहते ही जिन्होंने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया होता है वो सारे लोग एक स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हीं डिसाइपल्स में हमारा जोंग भी होता है, और हमारा जोंग इतने सारे डिसाइपल्स को देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर तो कितने सारे लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए है। लेकिन तभी हमारा जियान जोंग के सामने आते हुए उसे कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें दिखावा करने का मौका नहीं मिलेगा। जियांग को देखने के बाद जोंग उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनने के बाद जियांग पूरा सदमे में चला जाता है। फिर जियांग चिल्लाते हुए जोंग से कहता है कि क्या तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर वो खासते हुए जोंग से कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो साउथर्न वाइल्डरनेस की जियांग फैमिली है उसका मैं सन हूँ जियांग मुआंग, और मैं नए स्टूडेंट की लिस्ट में सेकंड रैंक पर आता हूँ। लेकिन तभी जियांग की नजर टीचर लिंग के ऊपर पड़ती है, जो कि बाकी के एल्डर्स के साथ एक कॉम्पिटिशन देखने के लिए आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद जियांग कहता है कि मुझे अच्छे से परफॉर्म करना होगा। फिर जियांग जोंग से कहता है कि इस मैच में तुम मेरे पीछे सिर्फ धूली खाओगे। लेकिन हमारा जोंग जियांग के किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए काफी नर्वस फील कर रहा होता है। ये देखने के बाद जियांग काफी गुस्सा हो जाता है। फिर उन्हें डिसाइपल से कहती है कि इस टूर्नामेंट में आप जो कोई भी टूल इस्तेमाल करने वाले है उसे दिखाइए। ये सुनते उन सारे डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल सामने आते हुए अपने ड्रैगोनिक पेन को दिखाता है, जो कि एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिचुअल टूल होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी एक मर्दाना औरत सामने आते हुए कहती है कि क्या सिर्फ एक मिडिल ग्रेड क्वालिटी का। इतना कहने के बाद वो भी अपना वेपन बाहर निकाल लेती है, जिसका के नाम बेटा रॉड होता है, जो कि वेपन दिखने के लिए एक डिल्डो जैसा होता है, जिसे देखने के बाद रेफरी कहती है कि इसका जो एपीरियंस है वो इनडिस्क्राइबेबल है। लेकिन सरप्राइजिंगली एक हायर ग्रेड का स्पिरिचुअल टूल है। फिर हमारा जियांग बड़े एटीट्यूड में आगे आते हुए अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक स्वॉर्ड होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर के सारे एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं। और पतला वाला एल्डर कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल वेपन है वो हेवन लेवल के मिडिल ग्रेड का है। फिर मोटा वाला एल्डर हमें कहता है कि जो स्पिरिचुअल टूल्स है उन्हें मोर्टल, स्पिरिचुअल हेवन और इमोर्टल और सेंट लेवल में डिवाइड किया गया है। जो इससे पहले का टूर्नामेंट हुआ था उस समय हमने जो स्पिरिचुअल टूल्स है वो डिसाइपल्स को प्रोवाइड किए थे, लेकिन इस बार जो डिसाइपल्स है वो अपना खुद का स्पिरिचुअल वेपन यहाँ पर लेकर आए, क्या ये अनफेयर नहीं है। फिर गुआन कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर हो, वहाँ पर एक हायर लेवल का जो स्पिरिचुअल टूल है वो हार या जीत को डिसाइड कर सकता है। ये दिखने में तो अनफेयर है, लेकिन यही दुनिया का कानून है। लाइफ और डेथ के बैटल में अपोनेंट हायर लेवल स्पिरिचुअल ट्रेजर का इस्तेमाल करने से कदापि पीछे नहीं हटेंगे। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो कि काफी खुश होता है, अपने मन में कहता है कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के पिक की कल्टीवेशन और साथ ही में हेवन लेवल का स्पिरिचुअल टूल, इसके साथ में इस टूर्नामेंट को कैसे हार सकता हूँ। फिर जियांग जोंग से कहता है कि अब तुम्हारे बारे है, जल्दी से अपना वेपन दिखाओ। ये सुनने के बाद जोंग अपना स्पिरिचुअल वेपन बाहर निकाल लेता है, जो कि एक झाड़ू होता है, जिसे देखने के बाद जियांग काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारा स्पिरिचुअल टूल है। ये सुनने के बाद जोंग जियांग से कहता है कि हाँ यही मेरा स्पिरिचुअल टूल है, और इसे मैंने जो एंट्रेंस पर झाड़ू लगाने वाला आदमी है उससे उधार लिया है। ये सुनने के बाद जियांग अपने मन में कहता है कि ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी झाड़ू है, क्या इस कॉम्पिटिशन को एक मजाक मान रहा है। फिर उन्हें डिसाइपल से कहते हैं कि अपने अपने स्पिरिचुअल टूल को स्टेबल पर रख दो। ये सुनने के बाद जोंग समझ नहीं पाता। फिर और रेफरी उन डिसाइपल से कहते हैं कि ये इस कंपटीशन का एक एडिशनल सेगमेंट है, तुम्हें दूर से अपने स्पिरिचुअल टूल को अपने पास बुलाना होगा। सबसे पहले आपको अपने स्पिरिचुअल टूल को दूर से अपने पास बुलाना होगा, फिर उस स्पिरिचुअल टूल पर उड़ते हुए हमने जो जगह आपको बताई है वहाँ पर जाना होगा। जो सबसे पहले वहाँ पर पहुंचेगा वही इस कॉम्पिटिशन का विनर बनेगा। लेकिन आपको क्या लगता है उस जगह पर जाना इतना भी आसान होगा? हमने जिस रूट से आपको जाना है उस रूट पर काफी ज्यादा मैजिक फॉर्मेशन को लगाया हुआ है।
सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, आखिर मैं अपने वेपन को काफी दूर से कैसे अपने पास बुला सकता हूँ। जोंग को इतने ज्यादा प्रेशर में देखने के बाद जेंग उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि अब तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है। फिर हमें उन वेपन्स को दिखाया जाता है जिसे कि डिसाइपल्स ने उन टेबल पर रख दिया होता है। फिर वो रेफरी चिल्लाते हुए कहते हैं कि जो टूर्नामेंट है वो शुरू होता है। इतना कहते ही वहां पर के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो अपने अपने वेपन को अपने पास बुला लेते हैं और साथ ही में जियांग भी अपने स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। फिर जियांग हमारे जोंग से कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो सारे डिसाइपल्स अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन पर बैठकर वहां से उड़कर चले जाते हैं। उन सारे डिसाइपल के वहां से उड़ जाने की वजह से अरेना में काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें वहां पर जोंग को खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद वहां पर के डिसाइपल्स कहते हैं कि आखिर वो यहां से अभी तक क्यों नहीं गया, यहां तक कि ने अपने वेपन को अपने पास भी नहीं बुलाया है। क्या वो इतने बेसिक रिटर्न डिस्टेंस को भी नहीं कर सकता? अगर वो इतनी मामूली बात नहीं कर सकता तो आखिर उसने इस कंपटीशन में साइन अप क्यों किया? उनके ये सारी बातें सुनने के बाद जोंग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, अगर मैं कुछ नहीं करता तो वो सारे लोगों का शक मेरे ऊपर आ जाएगा। और पतला वाला एल्डर हमारे जोंग को देखने के बाद कहता है कि आखिर जोंग के साथ क्या गलत है, क्या तुम अपने इस लेवल पर स्पिरिचुअल पावर के इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल टूल को कंट्रोल नहीं कर सकते? और हमारे जोंग को कुछ ना करता देख जो टीचर लेंगे वो काफी खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अब ये बच्चा एम्बेरेस होने वाला है। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि मैं सिर्फ उसी चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद जोंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि स्वॉर्ड जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जोंग के लिए वो झाड़ू ही स्वॉर्ड है। इतना कहने के बाद जोंग अपने पैर को जमीन पर मार देता है जिसके वजह से जहाँ पर उसने पैर मारा होता है वहां से वो जमीन नीचे चली जाती है और जहाँ पर वो झाड़ू रखा होता है वहां पर से वो जमीन ऊपर उठ जाती है जिसके वजह से उस टेबल पर रखा हुआ झाड़ू बाउंस करते हुए हमारे जोंग के हाथ में आ जाता है। दूर से अपने वेपन को अपने पास बुलाना ये कंप्लीट हो चुका है। जोंग को अपने टूल को इस तरह से अपने पास बुलाता हुआ देखकर जो पतला वाला एल्डर है उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और कहता है कि अपने वेपन को अपनी तरफ ऐसे कैसे वो बुला सकता है। फिर हमें उन डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जाते हुए उन्हें रास्ते में हवा में फ्लोट करने वाले पत्थर दिखाई देते हैं जिनके ऊपर फॉर्मेशन लगा हुआ होता है। जैसे वो सारे डिसाइपल्स उन पत्थरों के पास जाते हैं वैसे उन पत्थरों के ऊपर लगा हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। उन फॉर्मेशन में कुछ फायर के फॉर्मेशन होते हैं और साथ ही में कुछ वाटर के फॉर्मेशन होते हैं। और जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं वैसे वो फॉर्मेशन अपने अपने एलिमेंट से उन डिसाइपल के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन हमलों से जेंग तो काफी आसानी से बच जाता है, लेकिन उसके पीछे से जो डिसाइपल्स आ रहे होते हैं वो उन हमलों से बच नहीं पाते और हमला सीधा आकर उनको लग जाता है जिसके वजह से वो डिसाइपल नीचे गिर जाते हैं और उस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर जियांग काफी घमंडी होते हुए कहता है कि मैं एक शॉर्ट कल्टीवेटर हूँ और साथ ही में मेरे पास हेवन लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है जिसके वजह से मैं कंपटीशन काफी आसानी से जीत सकता हूँ, इसीलिए जो कंपटीशन है वो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। लेकिन हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंग ने अपने झाड़ू को अपने पास बुला लिया होता है। झाड़ू हाथ में आने के वजह से जो जोंग है वो एक स्टांस लेता है और एक जोरदार छलांग लगा देता है जिसके वजह से उसने जो छलांग लगाई होती है उसकी फोर्स की वजह से जोंग हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखने के बाद पतला वाला एल्डर पूरा सदमे में चला जाता है और कहता है कि आखिर वो किस तरह का पोस्चर है और उसकी जो स्वॉर्ड है वो दूसरों से अलग क्यों है। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि उन फॉर्मेशन के पास आ चुका होता है और जैसे ही जोंग उन फॉर्मेशन के पास आता है वैसे वो फॉर्मेशन हमारे जोंग के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जोंग किसी तरह से उस हमले से बचकर उसे पानी के ऊपर प्रेरक कर वहां पर दौड़ने लगता है। जोंग को ऐसा करता देख पतला वाला एल्डर और भी सदमे में चला जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि वो और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मेरे पीछे से जो फ्रेशमैन आ रहे थे वो अभी तक धूल में मिल जाने चाहिए थे। वो ये सब कह रहा होता है लेकिन तभी काफी तेजी के साथ जोंग उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियांग के गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए जोंग से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन तभी हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर रुक जाता है और काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए जोंग अपने मन में कहता है कि मेरे और मेरे सामने जो तैरते हुए पत्थर है उनके बीच में अभी भी थोड़ी सी दूरी है और यहाँ पर फोर्स एक जगह पर इकट्ठा करने जैसी कोई भी चीज नहीं है और एक खराब सिस्टम इसने मुझे इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस लाने की डिमांड की है। अगर मैंने इस मैंडेटरी टास्क को कम्प्लीट नहीं किया तो मुझे काफी बड़ी पेनल्टी लगेगी। जोंग को इस तरह से नीचे गिरता हुआ देखकर जियांग काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि स्वॉर्ड फ्लाइट में मास्टरी हासिल किए बिना टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें कब की
इंस्ट्रक्टर लेन के सामने शो ऑफ करने की परमिशन दी थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें काफी बड़ा गिफ्ट दूंगा और ये श्योर करूंगा कि तुम्हारे जो डिफीट है वो काफी शानदार हो। इतना कहने के बाद जियांग अपने ड्रैगन कैप्चरिंग हैंड का इस्तेमाल करते हुए हवा में जो पत्थर उड़ रहे होते उन्हें कंट्रोल कर हमारे जोंग के ऊपर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद मोटा वाला एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तैरते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे पार्टिसिपेंट के ऊपर हमला करना ये रूल्स के खिलाफ है। ये सुनने के बाद पतला वाला एल्डर कहता है कि इस टूर्नामेंट में इस तरह के एक्शंस के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें जोंग को दिखाया जाता है, जिसके तरफ वो पत्थर काफी तेजी के साथ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है। तभी वो सारे पत्थर हमारे जोंग के पास आकर वहां पर फट जाते हैं, जिसे देखने के बाद जियांग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम चाहे कितना भी फिजिकली स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इस जैसे एक्सप्लोजन से कभी भी नहीं बच सकते। लेकिन हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उस एक्सप्लोजन से काफी आसानी से बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि जोंग जो पत्थर फटने वाले है उनके फटने से पहले उनके ऊपर पैर रखते हुए फोर्स क्रिएट करके वहां से बाहर निकल जाता है। जोंग को इतनी आसानी से उस एक्सप्लोजन से बचता हुआ देखकर जो जियांग है वो काफी हैरान हो जाता है। तभी जोंग जियांग से कहता है कि मुझे फायर गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी। इतना कहने के बाद जोंग जियांग के चेहरे के ऊपर पैर रखते हुए उसे कहता है कि ये रहा तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। इतना कहने के बाद जोंग जियांग का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फोर्स क्रिएट कर देता है और हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि फोर्स क्रिएट करके आगे चला जाता है, लेकिन जियांग उस फोर्स की वजह से काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है और हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आकर फिनिश लाइन को कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से वो इस कॉम्पिटिशन का विनर बन जाता है और साथ ही में वो फर्स्ट प्लेस पर आता है और उसने उस सेट का जो लेजेंडरी डिसाइपल था उसका भी सबसे कम समय में फिनिश लाइन पर आने का जो रिकॉर्ड था उसे भी तोड़ दिया होता है। जिसे सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैंने एक्सीडेंटली रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कॉम्पिटिशन का रिकॉर्ड तोड़कर इनर सेक्टर सिस्टम के पास रिवॉर्ड लेकर जोंग शिष्यान ने रिलैक्स्ड कल्टीवेशन पीरियड के अंदर अपना कदम रखा। फिर हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठकर एक चिकन को पका रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि उसके पास कुछ मसाले जो कि इस चिकन के ऊपर डालने के बाद चिकन का स्वाद और भी ज्यादा अच्छा आएगा। इतना कहने के बाद जोंग काफी तेजी के साथ जाकर उन मसालों को बाहर लेकर आता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ जहाँ पर वो चिकन पका रहा होता है वहां पर सिर्फ चिकन की हड्डियां बची होती है, जिसे देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन एक के बाद एक जोंग अपने प्रोटीन के लिए जो कुछ भी पका रहा था उसे कोई तो खा जा रहा था। एक के बाद एक अपने प्रोटीन की चीजों को खाता हुआ देखकर जोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लगता है कि जो कुछ भी मेरे खाने को खा रहा है वो एक बहुत बड़ा सा चूहा है और शायद वो यही कहीं पर छुपा होगा। ये सोचने के बाद जोंग उस चूहे को पकड़ने के लिए एक अच्छा सा जाल लगाता है। वो सबसे पहले एक चिकन को आग के ऊपर पकाने के लिए रख देता है और उसके आजू बाजू एक रस्सी को बांध लेता है और खुद जोंग काफी दूर जाकर छुप जाता है। जैसे ही चूहा उस चिकन को खाने के लिए आएगा वैसे ही जोंग उस रस्सी को खींचकर उस चूहे को वहीं पर पकड़ लेगा और जैसा जोंग ने सोचा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। एक चूहा काफी तेजी के साथ आकर उस चिकन को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जोंग उस रस्सी को खींचते हुए उस चूहे को पकड़ लेता है। लेकिन जो कोई भी जोंग के खाने को चोरी कर रहा होता है वो एक चूहा नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की होती है। उस लड़की को देखने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कोई चूहा नहीं, ये तो एक छोटी सी लड़की है। उस लड़की को पकड़ने के बाद जोंग और वो लड़की एक दूसरे की तरफ कुछ देर के लिए देखते हैं। फिर वो लड़की उस चिकन को उठाकर काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगती है और उस लड़की की स्पीड जो होती है वो सचमुच में काफी ज्यादा होती है और भागते हुए वो लड़की जोंग से कहती है कि क्या तुम मुझे सचमुच इस रस्सी से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वो पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि जोंग ने अभी तक उस रस्सी को छोड़ा नहीं होता, जिसके वजह से वो लड़की रस्सी के साथ जोंग को भी खींच रहे होते है। फिर जोंग उस लड़की से कहता है कि चोर कहे कि जल्दी से वो चिकन मुझे वापस लौटा दो। जोंग को सिर्फ एक चिकन के लिए ये सब करता देखो लड़की काफी हैरान हो जाती है और एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए जोंग से कहती कि क्या तुम ये सब सिर्फ इस रोस्ट चिकन के लिए कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो लड़की वहीं पर ब्रेक लगाते हुए उछल कर पीछे आकर हमारे जोंग के ऊपर हमला कर देती है। उस लड़की का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जोंग के ऊपर हमला करने के बाद उस लड़की को लगता है कि मैंने उसे हरा दिया, लेकिन तभी पीछे से जोंग कहता है कि ये जो चिकन है वो काफी ज्यादा डिलीशियस है। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और जब वो लड़की पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि जोंग ने उसके हाथों से चिकन छीनकर उसे खा लिया होता है। चिकन को पूरी तरह से खा लेने के बाद जोंग उस लड़की को हड्डी दिखाते हुए उसे कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं बचा है।
अपने चिकन को इस तरह से चोरी होता हुआ देखकर रोलेट की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोंग किसी तरह से उसके हमले से बच जाता है। और रोलेट के हमारे जोंग से कहते है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे चिकन को चोरी करने की। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है, उसे कहता है कि ये तुम छोटे लड़के आखिर मैं चोर कैसे हो सकता हूँ, चिकन तो तुमने मेरे हाथों से छीना था। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी गुस्से में हमारे जोंग से कहती है कि जो कोई भी चीज मेरे हाथों में आ जाती है वो नेचुरली मेरी बन जाती है। इतना कहने के बाद वो लड़की लगातार हमारे जोंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन हमारा जोंग किसी तरह से उसके हमले से बच तो जाता है, लेकिन उस लड़की के जहाँ जहाँ पर हमले लगते है वहाँ पर की जो जगह है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फिर जोंग उस लड़की से बचकर एक जगह पर छुप जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि आखिर कैसे छुपना है। लेकिन तभी हमारा जोंग काफी तेजी के साथ एक रस्सी को फेंक कर उस लड़की को उसके अंदर जकड़ लेता है। उस रस्सी से जकड़ने के बाद जोंग उस लड़की से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम आसपास की जो जगह है उसे पूरी तरह से तबाह कर दोगी। ये सुनने के बाद वो लड़की मुस्कुराते हुए जोंग से कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ऑर्डिनरी रोप मुझे पकड़ कर रख सकती है। इतना कहने के बाद वो लड़की उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे उस रस्सी को तोड़ा नहीं जाता। ये देखने के बाद वो लड़की पूरा सदमे में चली जाती है। फिर लड़की लगातार उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो रस्सी उससे टूट नहीं जाती। ये देखने के बाद वो पूरा सदमे में जाती हुए कहती है कि यहाँ तक कि एक हेवन रैंक का जो वेपन है वो भी मुझे ट्रैप नहीं कर सकता, तो फिर ये रोप मुझसे क्यों नहीं टूटी जा रही। ये सुनने के बाद जोंग उसे कहता है कि ये एक इलास्टिक रोप है जो कि मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम इसे इजीली तोड़कर बाहर आ सकती हो। और साथ ही में जोंग अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सिस्टम ने जो मुझे रिवॉर्ड के रूप में वर्कआउट इक्विपमेंट दिया था वो मुझे यहाँ पर काम आएगा। फिर वो लड़की जोंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर ऐसे बांध के रखने की। ये सुनने के बाद जोंग उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आती हो। फिर लड़की मुस्कुराते हुए हमारे जोंग से कहते है कि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, जिसे कि यूलियन इमोर्टल सेट का बच्चा जानता है। ये सुनने के बाद जोंग और लड़की फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगते है। फिर जोंग उस लड़की से कहता है कि तुम दिखने में तो सिर्फ 7 या 8 साल की हो, और तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम मेरी सीनियर सिस्टर हो। ये सुनने के बाद वो लड़की जोंग से कहती है कि मेरी एज की तरफ मत देखो, मैं तुमसे पहले इस सेक्ट में ज्वाइन हुई थी, और तुम्हें पता है कि आखिर सीनियर सिस्टर को ऑफेंड करने की क्या पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन जोंग उस लड़की की किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए उसे ऊपर लूटा लेता है। ये देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए उसे कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। फिर जोंग उस लड़की से कहता है कि तुम एलियन इमोर्टल सेट के एक डिसाइपल हो, ये जानने के बाद मुझे जो चीजें है वो काफी आसान लग रही है, क्योंकि मैं मेन हॉल में जाकर तुम्हारी कंप्लीट करूंगा और जो मेरे प्रोटीन का लॉस है उसका कंपनसेशन ले लूंगा। इतना कहने के बाद जोंग उस लड़की को वहां पर से लेकर जाने लगता है, और जाते हुए वो लड़की हमारे जोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि तुम उम्र के मामले में यंग लोगों से प्यार नहीं करते, और सीनियरिटी के मामले में तुम ओल्ड लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये सुनने के बाद जोंग उससे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसाइपल्स इधर उधर अपना अपना काम कर रहे होते, लेकिन तब एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है कि जो लिटिल विच है वो आ रही है। ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स थे वो एक झटके में वहाँ पर से गायब हो जाते हैं। ये देखने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता है और उस लड़की से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी रिपुटेशन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये सुनने के बाद वो लड़की मुंह फेरते हुए उसे कहते है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। ये सुनने के बाद जोंग फिर से उस लड़की को मेन हॉल की तरफ लेकर जाने लगता है, और उसे लेकर जाते हुए कुछ डिसाइपल्स देख लेते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि अच्छा तो ये इमोर्टल सेट की एक छोटी सी चुड़ैल है, ऐसा लगता है कि वो इस अजीब से जोंग शिष्यंग के वश में है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल कहता है कि एक अजीब पर्सन ने दूसरे अजीब पर्सन को कंट्रोल कर सकता है। उसकी ये बात सुनने के बाद वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और जल्दी से एक पत्थर को लात मारते हुए उस पत्थर से उस डिसाइपल के ऊपर हमला कर देती है। वो हमला सीधा जाकर उस डिसाइपल को लगता है और वो डिसाइपल वहीं पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद जोंग उस लड़की से कहता है कि अच्छे से बिहेव करो। ये सुनने के बाद वो लड़की जोंग से कहती है कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बुरी बातें करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद जोंग उस लड़की से कहता है कि मैं सचमुच तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, जिन्होंने कि तुम्हारे जैसे एक जिद्दी और
मनमोजी बच्चे को बड़ा किया है। फिर हमें गुआंग को दिखाया जाता है जो कि कहते है कि हाँ ये सही है, मैं इसकी माँ हूँ। ये सुनने के बाद जोंग पूरा सदमे में चला जाता है। फिर गुआंग जोंग से कहते है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है। फिर गुआंग उस लड़की से कहते है कि तुम्हें तो इंसुलेशन की पनिशमेंट दी थी, तो आखिर तुम बाहर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद वो लड़की गुआंग से कहते है कि मैं इसीलिए बाहर आई क्योंकि मैंने ये सुना था कि किसी ने स्पिरिट मेजरिंग स्टोन को तोड़ा और साथ ही में जो टूर्नामेंट का तांग तांग का रिकॉर्ड है उसे भी तोड़ दिया, और मैं जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस थी कि आखिर किसने किया, इसलिए मैं उस पर्सन को देखने के लिए बाहर आई। ये सुनने के बाद गुआंग अपने सर को हाथ लगाते हुए उसे कहते है कि तुम्हारा जो पनिशमेंट थी उसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है, और साथ ही में तुम्हें दाऊजियान नाम की जो किताब है उसे भी डेली कॉपी करना होगा। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और कहती कि नहीं, इसमें तो काफी ज्यादा समय लगेगा। ये सुनने के बाद गुआंग उससे कहती कि क्या तुम्हें इससे कोई शिकायत है। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा निराश हो जाती है और गुआंग से कहती है कि नहीं, मुझे इससे कोई भी शिकायत नहीं है, आपने जो कुछ भी कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। इतना कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। उस लड़की को वहां से जाता हुआ देखकर जो गुआंग है वो भी काफी ज्यादा निराश हो जाती है और कहती है कि ये जो बच्ची है वो काफी ज्यादा रहम दिल है, वो अलग तरह से पैदा हुई थी। ये सुनने के बाद गुआंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या अलग तरीके से। ये सुनने के बाद गुआंग जोंग से कहती है कि वो एक बड़े से अंडे से निकले जो कि मुझे कई साल पहले मिला था। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या अंडा, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि उस अंडे के अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन होगा। ये अच्छी बात है कि मैंने उस अंडे को उठाया नहीं, अगर मैंने उस अंडे को उठा लिया होता तो मैंने उसे कब का खा लिया होता। फिर गुआंग जोंग से कहती है कि मैं उस अंडे को पका कर खाना चाहती थी लेकिन उस आग की गर्मी की वजह से वो अंडा हैच हो गया और उसके अंदर से एक छोटी सी बच्ची निकल आई। उसके जन्म लेते उसकी जो कल्टीवेशन थी वो बॉडी रिफाइनिंग के पिक पर थी, और साथ ही में उसके पास इननेट डिवाइन पावर और रोबस्ट फिजिक भी थी, और मेरे अंदर के काइंडनेस के वजह से मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को वो जैसा चाहती है वैसा कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पंछी को अपने गले लगा लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो पंछी वहीं पर मारा जाता है। इसके वजह से वो लड़की काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वो छोटी सी बच्ची उस पंछी के कब्र के पास बैठकर उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने फिर से अपने स्ट्रेंथ के ऊपर से कंट्रोल खो दिया। फिर गुआंग कहती है कि अक्सर अनजाने में नुकसान पहुंचाना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना। फिर हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से बचकर भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर ने फिर से मेरा हाथ फाड़ दिया। तभी पीछे से वो बच्ची आकर उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन उस लड़की ने जो कुछ भी उन डिसाइपल्स के साथ किया था वो जानबूझकर नहीं किया था, वो सब अनजाने में हुआ था। लेकिन जो सेठ के डिसाइपल थे वो उस लड़की से डरने लगे जिसके वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं बना। ये सुनने के बाद जोंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या दोस्त। फिर उसे पास्ट लाइफ का एक मोमेंट याद आ जाता है जहाँ पर जोंग रोते हुए अपनी मदर से कहता है कि क्यों कोई भी मेरे साथ क्यों नहीं खेलना चाहता। ये सुनने के बाद उसके मदर उसे कहती है कि शायद वो तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में चिंतित होंगे। फिर जोंग अपने मन में कहता है कि उस लड़की की जो जिंदगी है वो बिल्कुल मेरे पिछली जिंदगी की तरह है। फिर गुआंग जोंग से कहती है कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उसने अपनी पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा बदलाव किया है, वो पहले से ज्यादा शरारती बन चुकी है और उसे शरारती करना काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद जोंग काफी निराश होते हुए गुआंग से कहता है कि वो ये सब सिर्फ दूसरे के अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करती है, उसकी खिलखिलाट और हंसी से मूर्ख मत बनो, शायद वो अपने अंदर के अकेलेपन को छुपा रही है। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।